नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक बिल्डिंग ढह गई। इस घटना में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। हादसे में बिल्डिंग के पास खड़ा एक ट्रक भी चपेट में आ गया। वहीं बिल्डिंग गिरने से मौके पर भगदड़ मच गई। इस घटना में कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही। फिलहाल पुलिस टीम और अन्य राहत दल मौके पर मौजूद हैं। सभी बिल्डिंग का मलबा हटाने में जुटे हैं। एहतियात के तौर पर आसपास की बिल्डिंगों को भी खाली करा दिया गया है। घटना सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर की है। लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि पहले 28 लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला गया था। अब रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 और लोगों को निकाला गया है। हादसे में मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ट्रांसपोर्ट नगर में भारी बारिश के बाद हरमिलाप टावर का बायां हिस्सा भी गिर गया। फिलहाल एनडीआरएफ और राज्य पुलिस की टीम द्वारा बचाव अभियान चलाया जा रहा है, जो ढहे हुए हिस्से में घुसने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बता दें कि लखनऊ में बिल्डिंग गिरने से 8 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 3 लोगों की पहचान नहीं हो सकी है। वहीं लखनऊ एडीजी ने बताया कि पूरी बिल्डिंग की तलाशी ली जा रही है। सभी विभागों का समन्वय स्थापित किया गया है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने की कोशिश चल रही है। बिल्डिंग गिरने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही पता चल पाएगा। तलाशी के लिए सभी तकनीकी उपकरण लगा दिए गए हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, लखनऊ में एक भवन के गिरने से दुर्घटना का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। मैंने लखनऊ के जिलाधिकारी से फोन पर बातचीत करके घटनास्थल पर हालात की जानकारी ली है। लखनऊ में हुए हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके के लिए रवाना हो गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने और घायलों को समुचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। अभी तक जो है, कल से जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसमें 8 लोगों के जो है कोलैप्स होने की स्थिति आई हुई है, जिनकी हम लोग जो है इसका आगे मेडिकल कॉलेज वगैरह भेज करके जो डेड बॉडी के संदर्भ में जो आवश्यक अन्य कार्रवाइयाँ हैं वो विधिक स्तर से की जा रही हैं। 28 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज भी सुनिश्चित किया जा रहा है, उनका प्रॉपर इलाज कराया जा रहा है। मेडिकल के संख्या 8 है और हम उम्मीद करते हैं और हमारी प्रार्थना भी ईश्वर से कर रहे हैं कि यहाँ पर अब जो संवेदनशीलता के आधार पर रेस्क्यू ऑपरेशन तो पूरा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो लोग अभी तक जो जिसके कोलैप्स होने की स्थिति थी उनको हम लोग निकाल चुके हैं। बाकी लोगों के लिए भी हम लोग संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोग 5-6 घंटे में और आगे 5-6 घंटे में इसको फिनिश कर लेंगे और जो अगल बगल की जो बिल्डिंग्स हैं जो संवेदनशील हैं उसको भी सिक्योर कर लेंगे। हाँ, आशंका नहीं है, फिर भी पूरी संवेदनशीलता के साथ इस कार्रवाई को जब तक हम पूर्ण नहीं कर रहे हैं तब तक पूरा ऑल ड्रिल्स जो है, ऑल मेडिकल ड्रिल्स एनडीआरएफ की एसडीआरएफ की हम लोग इसको पूरा कर रहे हैं। घायलों के बारे में अभी घायलों के लगभग स्थिति ठीक है। अभी घायलों का पूरा अभी जो हॉस्पिटल से हम लोगों को जो डॉक्टर्स वगैरह से जो अपडेट मिल रहा है उसके अनुसार सबका प्रॉपर इलाज हो रहा है। उनमें सारे लोगों को पूर्ण रूप से उनको कोई संवेदनशीलता नहीं है, जान बच गई। अभी यहाँ पर जनपद स्तर की जो टीमें हैं हमारी लखनऊ कमिश्नरेट की फोर्स की वगैरह की और जो हमारी टेक्निकल टीम उसके अलावा स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स का और एनडीआरएफ की टीमें टेक्निकल टीमें लगी हुई हैं। दे आर डूइंग दैट, कोशिश किया जा रहा है कि समय से हम लोग इसको पूरा कर लें। देखिए ये इस ऑपरेशन में इस बात को पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान जल्दी से जल्दी अगर इसमें भी संभावना है कोई घायल ऐसा है जिसको हम हमारी ऑपरेशन की वजह से और कोई घायल ना हो, इसका पूरा पूरा ध्यान रखते हुए हम लोग ऑपरेशन को नहीं कुछ नहीं। बिल्डिंग जर्जर थी, तो इस जर्जर वजह से बिल्डिंग की वजह से जो भी है वो नेचुरल डिजास्टर है तो उसको हम लोग क्योंकि आंकड़ा वही है जो अभी जो आप लोगों को रात में दिया गया था, जो 8 लोग सूचना मिली है कि वहाँ 8 लोगों की तो जो मृत घोषित किए गए और लगभग 3 के करीब जो है घायल थे, तो वो जिनका उपचार भी अस्पतालों में चल रहा है, कुछ लोग उपचार भी हो गए। तो ये आंकड़ा अभी जो आपके पीछे जो रेस्क्यू ऑपरेशन और चल रहा है इसमें ये भी इसलिए चला रहे हैं कि हो सकता है कि शायद कोई एक आध व्यक्ति फंसा हो, लेकिन लगभग आंकड़ा जो है वो उनका मिलान हो चुका है। घायल सभी का उपचार हो रहा है। हम लोग भी रात में मिल के आए थे, अभी भी हमारी टीम वहाँ है, डॉक्टर्स लगातार नज़र रखे हुए हैं उस पर और ज़्यादातर लोग खतरे से बाहर हैं।
देखिए ये एक्सपर्ट्स इस चीज के बारे में कमेटी गठित होगी, वो देख के सारी चीजें बता पाएगी। जो स्ट्रक्चर इंजीनियर्स हैं, अन्य जो एक्सपर्ट्स हैं, वही इसमें एग्जैक्ट कारण तो बता पाएंगे।